4 तारीख को सुबह थाना सोराव पर सूचना मिली थी कि एक बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस पहुंची तथा फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया जहां पर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सोराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया जिसमें सरलांश तथा थाने की टीमें शामिल थी। घटना के अनावरण हेतु लगभग 150 CCTV कैमरे फुटेज का अवलोकन किया गया और 65 से अधिक संदिग्धों का से पूछताछ की गई। इसी दौरान एक CCTV फुटेज में एक साइकिल सवार द्वारा लड़की को ले जाते हुए एक फुटेज प्रकाश में आया जिसके संबंध में टीमों द्वारा उसकी पहचान कराई गई जिसमें उसकी पहचान मुकेश पुत्र जोगेश्वर निवासी सराय भोगी थाना सोराव के रूप में हुई। उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान आज 15 अक्टूबर को सूचना 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहां पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया जहां पर उसके टांग में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। उसने बताया कि 3 तारीख की रात्रि को लड़की को उसने साइकिल पर लिफ्ट दी थी। इसी दौरान उसके मन में उसके साथ दुष्कर्म करने का विचार आया और उसने उसको मुंह पे हाथ रखकर काबू में किया जिसके दौरान वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए पास ही एक डंडे से उठाकर उसके सर पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।